Thank you. Yeah. Look here. Look here. Your left. Sir. भाई आगे मत भेजा कैमरा. Thank you. Sir, left. टीजर आप लोगों ने देख ही लिया एंड इट्स वेरी गुड. मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मुझे अच्छा लगा. इन दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, स्पेशली दिस वन. और नर्वस नहीं हूँ, बहुत अच्छा किया हमने. सो वी नो दैट इट्स गोना बी गुड, इट्स गोना बी हिट. दैट्स द सॉन्ग व्हिच वी वर लुकिंग फॉर सो लॉन्ग. आप लोग क्या कहना चाहोगे? आपके एक्सप्रेशन आप देखते हो टीजर में, मैंने देखा है कि लुक आपने दिया एंड इन्होंने भी वो लुक बैक किया. आपको काफ़ी अच्छे एक्सप्रेशन है दोनों के, माशाल्लाह. आप क्या कहना चाहोगे? आई एम नॉट एट ऑल नर्वस, आई एम सुपर एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड. कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस सॉन्ग में मैंने फर्स्ट टाइम आई डिड समथिंग कि जो बचपना वाला क्रेजी वाला रोल होता है ना एक लड़की के अंदर, यू नो, फुल एक्साइटेड है अपने बॉयफ्रेंड को लेकर. वो एक पहले ज़माने में जो एक लड़का लड़की के बीच में शरारती होती थी, इट्स ऑल अबाउट दैट. सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी द एंटायर वीडियो एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. व्हाट डू यू वांट टू से, हाउ हैव यू गॉट द सॉन्ग? ये सॉन्ग पे लाइक एक्चुअली एक साल से काम चल रहा था. या ऑडियो बेसिकली हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं. सो लाइक जैसे ही चीज़ें फाइनल हुई, इसके पीछे की कहानी है कि हम दोनों ने अपना पहला गाना भी साथ में किया था. हाँ, यस. सो लाइक सबसे पहले जैसे ही गाना सुना हमने तो ये क्लिक हुआ कि हाँ इसको होना चाहिए एंड हाँ हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं कि एक हाँ क्यूट सी लव स्टोरी है. और गाना टीज़र आपने देखा होगा तो ये हमें एकदम बचपन की याद दिलाता है, एकदम नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, तो वो वाला एंगल था. तो बड़ा मज़ा आया शूट करने में. बस हमें शायद यही था कि हम लोग मुंबई से गए थे तो चंडीगढ़ में जाके हमें थोड़ा सा टेम्परेचर ने परेशान किया, बट बड़ा मजा आया शूट करने में. सर, किस तरह की उम्मीदें है गाने को लेके? और पिछले सारे गाने की मैं बात करूँ, काफ़ी अच्छा लोगों से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है एंड टीजर को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है तो उम्मीदें काफ़ी बढ़ चुकी है. आप कुछ कहना चाहोगे दर्शकों से, किस तरह की एक्सपेक्टेशन है आपको? मेरी तो सिंपल सा यही है कि आई एंजॉयड माई चाइल्डहुड टू थिंक अबाउट समथिंग राइट एंड दिस इज़ वेरी मच फीमेल ओरिएंटेड सॉन्ग. वुमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या किसी और तरीके से बात करें, सो दिस सॉन्ग इज़ मोर ओवर लाइक जैसे इसने बोला कि बचपन में जब आप कुछ सोचते हो कि ऐसा कुछ होना चाहिए मेरा क्रश, ये उसके ऊपर सॉन्ग है. एंड फॉर मी द मोमेंट विनय सर हैज सेंड मी दिस सॉन्ग कि ये ऑडियो गुनगुन वी आर गोइंग टू दिस, मेरे मुँह से ना निकला ही नहीं. इवन मैंने अपने पापा को भी सुनाया ना, ही वॉज लाइक ओ माई गॉड यार कितना क्रेजी ऑडियो है, इंटायर ऑडियो इज सुपर्ब और उस ऊपर से वीडियो भी इतना अच्छा बन के आ गया. सो ब्लास्ट, इट्स गोइंग टू बी ब्लास्ट फॉर श्योर. विनय जी, किस तरह से स्टोरी है अगर कुछ आप, हम देखेंगे जरूर देखने वाले सॉन्ग, बट अगर गाने की स्टोरी या फिर कुछ लाइन, अगर चंडीगढ़ में किस तरह से शूट हुई आपको पता है कि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं यूएस में रहता हूँ, मैं डैलस में, मतलब यहाँ पे नहीं हूँ. सो ज़्यादा स्टोरी लाइन मुझे पता नहीं है इन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, बट इन लोगों ने बहुत धमाल किया. कुछ चाय मैं बता सकता हूँ. सो सिनेरियो ये है कि एक लड़का होता है, लड़की मार्केट में जा रही है एंड बस वहीं से कहानी शुरू होती है. इसके बाद गाना देखना आपको, इसके बाद गाना देखना. वी कांट रिवील द एंटायर सॉन्ग. व्हाट डू वांट टू से अबाउट योर केमिस्ट्री? काफी अच्छी नजर. वही एक्चुअली वही ना मैंने बोला कि हमारा पहला गाना हमने साथ में किया था. Yes. उसके बाद मैंने शायद
कम गाने किए, इन्होंने बहुत ज़्यादा कर लिए पंजाबी इंडस्ट्री में, लाइक ये एमी विर्क के साथ काम कर लिया, उनके बाद दिलप्रीत सिंह के साथ काम कर लिया, तो ये तब से काम कर रहे हैं। बट अगेन एक गाना क्लिक हुआ तो सबसे पहले दिमाग में यही है कि इनके साथ करना चाहिए वो चीज़, तो हमने किया एंड बहुत मजा आया। जस्ट बिकॉज आदित्य इज लकी फॉर मी ना, आई हैव स्टार्टेड माय डेब्यू विद हिम ना, सो आई एम गोइंग फार एंड आई होप कि आदित्य भी, ही इज ऑलरेडी डूइंग सो गुड एंड सो प्लीज यू आर ऑलरेडी डूइंग सो गुड। Yeah, of course. The moment I got to know that I'm going to shoot with Aditya, I was like, "Chalo, chill scene hai. I already know him. Hum shoot mein maze karenge." And we already did. Humne bahut enjoy kiya. Lastly, aap dono se janna chahoge kis tarah ki ummeede hai gaane ko leke. Aaj launch hai, to uske baad logon se kis tarah ki expectation hai aapko? Of course, we are looking forward to it. According to me, ki gaana sabko acha lagega in every age group, whether it is यू नो इन 20s, 50s, आप अपनी मम्मा को दिखा लो, आप बच्चों को दिखा लो, ये हर एक एज ग्रुप का सॉन्ग है, सो इट्स सुपर गोइंग टू बी ब्लास्ट फॉर श्योर। बस मैं वही कहना चाहता हूँ, गाना बहुत ही प्यारा बना है एंड हमारी एक्सपेक्टेशंस वही है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, तो आई होप कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हो, बाकी आप लोग के ऊपर है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दो। होगा होगा होगा, मतलब सारे लोग रिलेट करोगे इस गाने को सीरियसली, छोटों से लेके बड़े तक सब करोगे। हां फॉर श्योर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। अभी क्या करना है, आ जाइए उधर, हटो विशाल जी, कनिका जी इधर, इधर ही विशाल, हां हां इधर जा। हैप्पी न्यू ईयर कनिका, हैप्पी न्यू ईयर, ओ यस हैप्पी न्यू ईयर, मैं मिली नहीं, हम भी नहीं मिले थे। कैसा रहा आप सबका न्यू ईयर? बस काम में अच्छा, बढ़िया, बड़ा मजा आ गया। मुबारकबाद लोग थैंक यू। आइए रोल गाइस, कनिका जी पहले तो नए साल की बहुत-बहुत मुबारक हो आप सभी को भी, नए साल की बहुत-बहुत मुबारकबाद एंड अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर, सबका ये साल हमेशा की तरह ऐसे ही चमकता हुआ अच्छा अच्छा जाए। किस तरह से आप देख रहे हो 2023 एज अ प्रोफेशनल वाइज, पर्सनल वाइज? देखो सबको मेरा पता है कि मैं बहुत प्लानिंग्स में, मेरी कोई प्लानिंग चलती ही नहीं है क्योंकि सो मैं बहुत रेजोल्यूशंस और प्लानिंग्स में बिलीव नहीं रखती हूँ, आई जस्ट गो विद द फ्लो एंड ऑफ कोर्स आई एम रेडी रेडी टू एंटरटेन माय ऑडियंस, बाकी चीज़ें होती रहेंगी धीरे धीरे। गाने की लॉन्च में आप आए हो, यस, टीजर आपने देखा रहेगा, काफी कमाल का टीजर है, यस, किस तरह की उम्मीदें हैं? मुझे गाना इतना, क्योंकि हम बचपन से, मुझे लगता है हम सब ने ये गाना सुना है, नानी तेरी मोरनी को मोरनी, तो इससे एक वो नॉस्टैल्जिया वाली फील आती है, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी ये सुन के कि हम यू नो उसी का, उसी के वो मैशअप टाइप्स बना रहे हैं, तो मुझे लगा दिस सॉन्ग विल बी टू गुड, और आजकल बहुत सारे बन भी रहे हैं वापस से, गानों को इस तरीके से रिन्यू किया जा रहा है, तो ऑफकोर्स आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड मैंने देखा टीजर, इट्स रियली लुकिंग नाइस, आदित्य इज लुकिंग वेरी नाइस इन विजुअली, द सॉन्ग इज वेरी मच अपडेट। 2022 में काफी सारे गाने आए थे आपके, मुझे याद है, और काफी सारे गाने को प्यार भी मिला था, तो 2023 में मैं पूछना चाहूंगा कि कितने इंडिपेंडेंट सॉन्ग की प्रिपरेशन अब तक हो चुकी है और कितने और चल रही है? अभी मैंने एक गाना शूट किया है और कितनी की तैयारी चल रही है ऐसा तो पता नहीं होता, साल भर की प्लानिंग्स तो अभी नहीं की है लेकिन डेफिनेटली करेंगे बहुत सारा। इसके अलावा क्या कुछ है लाइनर्स, मैं ओटीटी की बात करूं, आपका एक शो है जो काफी प्यार मिलता है, उसके नए सीजन की मैं बात, सीजन उसका अभी हम डेफिनेटली नहीं कर रहे हैं लेकिन उसके अलावा किसी और प्रोजेक्ट का पहला सीजन कर रहे हैं, सो दैट विल बी सून। आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, वो उसके लिए अलग से मैं एक मीटिंग रखूँगी सबके साथ। ओके, 2022 में एक जाते जाते एक घटना हो गई थी जो काफ़ी लोगों को हिला के रखी, मैं तुलसी शर्मा, yeah. आपका क्या है उस केस को लेकर, अगर कुछ आप बताना चाहो? उस
घटना ने मुझे मेरे तो घर पे एक्चुअली मेरी मम्मी आज भी वही डिस्कस कर रही थी, तो यू नो सबको बहुत ज़्यादा हिलाकर रख दिया, बिकॉज वो एक्चुअली बहुत शॉकिंग, बहुत सैडनिंग, बहुत ही समझ में ही नहीं आया कि कैसे हो गया, उस तरह का इंसिडेंट था। आज तक हमारे घर पे सब लोग जब भी मिल रहे हैं उसके बारे में बातें हो रही हैं, पर रीजंस नहीं पता होते हैं। आई थिंक वो एक कुछ मोमेंट ही एक वो आता है जब हम टूट जाते हैं, वो उस समय पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। आजकल तो वैसे ही मेंटल हेल्थ के बारे में हर कोई डिस्कस कर रहा है, वो उसको अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए एंड डिस्कशन करनी चाहिए, अपने परिवार वालों के नज़दीक रहना चाहिए, बातें करनी चाहिए। बेसिकली अपने मन में बहुत ज़्यादा बातें आई थिंक दबा के नहीं रखनी चाहिए। जी, अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे, जो मेंटल हेल्थ इशू, एक ये जो वर्ड है काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसको बीमारी भी कहते हैं कई जगहों पर, तो आप अपने फैंस को क्या सजेस्ट करोगे अगर कोई इस बीमारी से जूझ रहा है? आई थिंक ये बीमारी नहीं है, मतलब बीमारी शब्द आई डोंट नो इसके लिए सही होगा या नहीं होगा। कुछ लोग उसको उस डर से ही इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं हमको किस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा कि अगर हमने बता दिया कि हम इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो आई डोंट नो इसको बीमारी कहेंगे या क्या कहेंगे। लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकता है, एक हंसते खेलते इंसान के साथ भी हो सकता है, मे बी वो हंस रहा है बाहर से बट अंदर से वो किसी चीज़ से जूझ रहा हो, तो हमको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ प्रॉब्लम दे रही है, किसी का कोई एक्शन, किसी का कोई रिएक्शन हमको प्रॉब्लम दे रहा है, वी शुड डिस्कस विद द पर्सन और विद सम अदर पर्सन, एंड वो हमें अपने मन से निकालना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने किसी से डिस्कस करने के लिए। मैं मतलब मुझे नहीं पता ये चीज़ सही होगी या नहीं होगी, बट मैं डेफिनेटली उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि सब लोग ब्लेम कर रहे हैं। जब तक हमें दूसरी साइड की स्टोरी नहीं पता होती है ना, हमें अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, पर मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे अदरवाइज भी लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं अरे उसने गलत किया है, उसने उस लड़की को हर्ट किया। हमको नहीं पता है कि क्या सिचुएशन है। इसके अलावा एक और चीज़ चल रही है बिग बॉस, आप कितना फॉलो कर पा रहे हो बिग बॉस को? मैं कर रही हूँ फॉलो, कुछ अगर बताना चाहो, काफ़ी कुछ हो रहा है इस बार तो ये भी मैं बता रही हूँ, प्रियंका जीत रही है ट्रॉफी के साथ, हम वापस मिलेंगे फोटोज ले। आप इतने कॉन्फिडेंट से कितना अच्छा खेल रही है वो, आई थिंक शी डिजर्व्स टू विन। क्योंकि ये हफ्ते काफी घर वाले आए थे, घर वालों के परिवार वाले, और सबसे एक सवाल पूछा गया कि किससे ज्यादा खतरा या फिर किससे ज्यादा कौन डेंजर है, सबने प्रियंका का नाम लिया था, सभी घर वालों ने और उनके भाई भी थे, तो अगर उस पे क्या कुछ आप कहना चाहोगे, क्या है आपकी राय? देखो प्रियंका बहुत अच्छा खेल रही है, खेलती रहेगी एंड जीत के आएगी, एंड यस ऑल द बेस्ट टू हर। माय टॉप थ्री प्रियंका, शिव, आई थिंक शालिनी। कौन जीता? प्रियंका जीत रही है। रनर अप किसको देख रहे हो? शिव। थैंक यू सो मच। चलो थैंक यू। हाँ करता हूँ, उधर बाइट हो रही है ना। आपको भी बहुत बहुत बधाई। 2023 की मैं बात करूँ, किस तरह से देख रहे हो प्रोफेशनल वाइज
साल को? प्रोफेशनल मैं आपको बताऊं मेरे भाई, एक सच्चे एक्टर का प्रोफेशनल पर्सनल कुछ नहीं होता है, उसका सब मिक्स होता है. एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू 2023 एज माय टर्निंग पॉइंट, एज अ बिग स्टेप व्हिच आई बिलीव इज गोना हैपन, एंड आई होप दैट यू सी मी इन ग्रेट थिंग्स. दैट इज 2022 की मैं बात करूं, जब से बिग बॉस आपकी एग्जिट हुई, फिर बाद में नागिन का शो, जितना प्यार मिला स्पेशली तेजस्वी और आपकी जो केमिस्ट्री दिखती है नागिन में, प्रतीक भी आए, फिर आप लोगों की दोस्ती, जैसे रीयूनियन हुआ, बिल्कुल था वो रीयूनियन, लगा भी वैसा है. तो किस तरह से 2022 आपका गया है? अगर सो 2022 हैज़ बीन लाइक फुल ऑफ लर्निंग्स, एंड मैं एक एक्टर हूँ. शुड आई लुक इन द लेंस? यू सी दैट? ओके, इन दिस लेंस? ओके, आई कांट इवन सी द लेंस राइट नाउ. ओके, चलो ठीक है, वन मोर. ओके, चलो ठीक है. सो डेफिनेटली 2022 ज़रूर हमारे लिए रहा एकदम रियूनियन जैसा ही, और था भी वो रियूनियन ही, एक्टिंग तो मतलब इट वॉज लाइक यू नो लाइक अ चेरी ऑन द केक, कि केक तो है हमारे पास एंड साथ में एक्टिंग कर रहे हैं. सो इट वॉज रियली डिफरेंट एंड रियली अमेजिंग फॉर मी. एंड प्रतीक एंड तेजा के साथ ऑल्सो इट वॉज अमेजिंग शूटिंग विद वंस अगेन. सो आई रियली एंजॉयड माई 2022. टीज़र काफी कमाल का है, बिल्कुल. आप कुछ बताना चाहो, किस तरह की एक्सपेक्टेशन है? जी आई एम श्योर, एंड इन दी एंड अभी इनका फर्स्ट म्यूजिक वीडियो लॉन्च हो रहा है इंडिया के अंदर, एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज देयर इज दिस सॉन्ग मोरनी को मोर ले जाएगा, एंड आई हैव सो मच रिलेशन विद दैट सॉन्ग टू बी ऑनेस्ट. And I'm so excited about it, and I'm so excited to see the song most of all, ki, you know, how they have incorporated that line in this song. I'm just excited to see this. इसके अलावा इस साल बिग बॉस को कितना फॉलो कर पा रहा हूँ? जी आपको पता ही है कि मैं 22 में शूट में काफ़ी बिजी रहा हूँ, सो मैं फॉलो नहीं कर पाया हूँ. बट या आई एम अ पार्ट ऑफ द कलर्स फैमिली, सो डेफिनेटली कुछ क्लिप्स मेरे आगे से आते रहते हैं. सो basically I think I know what's going on and everything. I think I have an idea about it. What would you like to say about your idea? About my idea? I think this season has been amazing and it's really fun to watch also, be it in small clips or something. I think bahut maza aata hai and everyone is performing so good, and may God bless all of them. Whom do you see Tejaswi ke baad as a winner of the house? Teja to definitely well deserved thi. बट अगर आप इस सीज़न की बात कर रहे हैं, रियली वॉन्टेड अब्दू टू विन. आई थिंक ही इज़ वेरी क्यूट, ही इज़ वेरी नाइस, एंड ही इज़ वेरी रियल मोस्ट ऑफ ऑल. सो आई वॉज एस्पायरिंग फॉर हिम, बट इन दी एंड अब जिसकी भी किस्मत का फैसला हो, लेट्स गो, बिकॉज आई हैड नेवर थॉट तेजस्वी वुड विन, बट डेफिनेटली शी वॉज डिजर्विंग एंड शी वॉन. 2022 के अंत में काफ़ी एक बड़ी घटना हुई थी, निशा शर्मा जी, उसके बारे में व्हाट वुड यू लाइक टू से? जी जो भी हुआ, आई थिंक इट वॉज वेरी, इट शुडन्ट हैव हैपन्ड, एंड जैसा भी हुआ, वी डोंट नो द पर्सनल थिंग्स अबाउट दैट थिंग, एंड आई थिंक आई एम नो वन टू कॉमेंट ऑन दैम टू बी ऑनेस्ट. एंड जो भी हुआ, मतलब मुझे बिल्कुल, मतलब मुझे क्या किसी को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, एंड वी ऑल प्रे फॉर हर सोल टू रेस्ट इन पीस, एंड गॉड ब्लेस हर, एंड आई होप दैट नो वन डज इट, बिकॉज यू नो गाइज वॉट, यू नो ये सब नहीं होना चाहिए. आई मीन देर इज मच मोर टू लाइफ, एंड बिकॉज ऑफ जस्ट अ फ्यू सर्कमस्टेंसेज, शी वॉज जस्ट अ यंग किड, एंड इट्स इनटॉलरेबल, एंड आई जस्ट फील लाइक दैट पीपल शुड स्टे स्ट्रॉन्ग एंड दे शुड फाइट इन लाइफ. दैट इज ऑल आई हैव. What do you think? How unfair it is? We live in a social media. काफी कुछ hatred फैल रहा है शिजान खान और उसकी family के अलावा. उसके बारे में इतना सारा hatred. Do you think it's very unfair? No, I think क्या अब since anyone has like gone, क्या unfair, उससे ज़्यादा unfair क्या ही हो सकता है? I mean जो भी सच है वो आई विल डेफिनेटली प्रे टू गॉड दैट वो निकल के सामने आए, बट नॉट इन अ वे दैट यू हैव टू एम्बेरस समवन और लेट समवन डाउन, या किसी को शर्मिंदा करके. आई डोंट थिंक सो दैट्स द राइट थिंग टू डू, बट येस जो भी सच है वो ज़रूर सामने आना चाहिए एंड न्याय ज़रूर मिलना चाहिए. आई एम होपिंग फॉर दैट. एक आखिरी सवाल, ये साल कुछ आपके नए गाने या फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट देखने मिल सकता है? जी डेफिनेटली आपको नया प्रोजेक्ट भी मिलेगा, आपको नए गाने भी मिलेंगे. थैंक यू. थैंक यू.